हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ एआईएस, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एआईएस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआईएस, एआईएस सब सिस्टम, पर्पस ऑफ एआईएस, एमआईएस एंड एआईएस का कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर रिपोर्ट्स, डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनको कम्प्लीटली जानेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो वहाँ पर हमने जो 24th लेसन है यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो डायरेक्ट जो है बुक से, ताकि कोई भी नो आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो रह ना जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंटर रिलेशनशिप बहुत ही बड़ा या बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके अंदर रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम हाथ से तैयार करते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम और एरर होने की संभावना भी होती है। लेकिन अगर कंप्यूटर से हम वर्क करते हैं तो सारा का सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, यानी कि रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड आल्सो इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, ये सारा का सारा काम अब हमारा किसकी हेल्प से होने लगा है? कंप्यूटर की हेल्प से होने लगा है, अकाउंटिंग का। सो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो भी हमारे अकाउंटिंग के काम है वो अब हमारे कंप्यूटर में किए जाने लगे हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस लेजर। जब हमने डाटा रिकॉर्ड कर लिया तो सारे के सारे जो लेजर हैं वो भी हमारे किसकी हेल्प से बन सकते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। प्रोसेसिंग द पेरोल इंफॉर्मेशन, पेरोल इंफॉर्मेशन जो कि पहले ही बताया था, क्या वेजेज और सैलरी जो पे करनी है उस चीज़ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये सभी के सभी काम जो है हमारे किसकी हेल्प से किए जाने लगे हैं? कंप्यूटर की हेल्प से किए जाने लगे हैं। अब इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन, यानी कि जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसकी हेल्प से हमने क्या लिया? डिसीजन लिया। तो जो इंफॉर्मेशन हमारी डिसीजन में हेल्पफुल करती हैं वो हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस लेवल पर हेल्प करती हैं, इस चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत सारे टाइप की क्या मिलती हैं? इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? सिस्टम से, एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जो कि हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो उनको जान लेते हैं। और इससे क्या क्वेश्चन बनता है? इससे यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिस्टम आपका किस लेवल पे काम आता है डिसीजन लेने के। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका ESS, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये किस लेवल पे काम किया जाता है? इसकी हेल्प से डिसीजन किस लेवल में लिए जाते हैं? स्ट्रेटजिक लेवल के डिसीजन लेने में ये हमारी हेल्प करता है। यानी कि अगर हायर पार्ट, हायर वो बोला जाए तो इसको क्या नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक जो लेवल होती है वो कौन बनाती है? हमारी हायर अथॉरिटी बनाती है, ठीक है। और उस लेवल पे किसको यूज किया जाता है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को। यानी कि कोई भी हमें एडवांस ग्राफिक्स या कम्युनिकेशन करना है तो वो हमारा किसकी हेल्प से करेंगे? ESSS की हेल्प से करेंगे। उसके बाद है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको मैनेजमेंट लेवल पे यूज किया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट मीन्स इसके अंदर हमारा क्या किया जाता है? जो भी हमने जो प्लानिंग का काम है, कंट्रोलिंग का काम है या डिसीजन मेकिंग का काम है, तो वो हमारा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही मैनेजमेंट लेवल करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करवाता है? जो रूटीन की जो हमारी समरी है, जो रिपोर्ट है, वो हमारी MIS तैयार करके देता है मैनेजमेंट लेवल को, और इसकी हेल्प से मैनेजमेंट लेवल अपने डिसीजन लेता है। उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हेल्प करता है जो डाटा है उसको कंबाइन डाटा एंड एनालाइज रिपोर्ट टू सपोर्ट द डिसीजन। यानी कि ये कंबाइन हमें क्या देता है? कंबाइन डाटा देता है, एनालिटिकल रिपोर्ट देता है, जिसकी हेल्प से हम क्या डिसीजन लेते हैं? अपने जो डिसीजन लेते हैं उनमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद है TPS। TPS क्या होता है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशन लेवल पर हेल्प करता है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा जो रिकॉर्ड है, जो डेली की जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने में काम आता है। कौन सा? हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि जो डेली का रूटीन का काम होता है उसको अगर हम रिकॉर्ड किसके अंदर करते हैं? TPS के अंदर। TPS हमारा ऑपरेशन लेवल पर वर्क करता है, ठीक है।
क्योंकि ऑपरेशन लेवल पर अगर हमें कोई काम करना है तो वो हम रेगुलर का डाटा देखकर ही उसी के बेस पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इसकी हेल्प से आपको सभी कुछ क्लियर भी हो गया होगा कि ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम किस लेवल पे यूज किया जाता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे, MIS मैनेजमेंट लेवल पे, DSS मैनेजमेंट लेवल पे, TPS ऑपरेशन लेवल पे। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। उसके बाद चलते हैं प्रोसेस जान लेते हैं TPS की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या जाना कि TPS में क्या किया जाता है, जो रूटीन की जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको रिकॉर्ड करके उसी की हेल्प से हम क्या लेते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। तो वही इसकी क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी कि किस तरह से ये प्रोसेस में वर्क करता है। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। सभी पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। किसका यूज करके, जो हमारे डिवाइस है, या तो हमारे डिवाइस में मिल जाएगा अगर हमने कंप्यूटर में एंट्री कर रखी है, तो अगर नहीं कर रखी है तो मैन्युअली क्या कर देते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं। उसके बाद डाटा एडिटिंग, डाटा एडिटिंग में क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि जो हमारा डाटा है वो वैलिड है, कंप्लीट है, ठीक है। इस चीज़ को हम किस में चेक करेंगे, डाटा एडिटिंग में करेंगे, यानी कि हमारा डाटा कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसके बाद है डाटा वैलिडेटेशन, इस चीज़ को जरूर में ध्यान में रखिएगा। वैलिडिटी चेक कहाँ पे की जाती है, वैलिड डाटा एडिटिंग में किया जाता है, लेकिन वैलिडेटेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर एरर है, अगर हमें मिल जाती हैं तो उसको करेक्ट करने का काम हम किस में करते हैं, डाटा वैलिडेटेशन में करते हैं। उसके बाद जो आता है डाटा मैनिपुलेशन, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, हमें किस फॉर्म में डाटा चाहिए। उसके बाद है डाटा स्टोरेज, अब उस डाटा को प्रोसेसिंग के बाद अलग अलग जगह पे हम क्या कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है। आउटपुट जनरेशन, अब क्या करते हैं, उसी डाटा से हम क्रिएट करते हैं क्या, रिपोर्ट और ऑप्टेन आउटपुटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो हमारी रिकॉर्ड्स है आउटपुट के, उसको और कोई जो रिपोर्ट हमें तैयार करनी है, किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट तैयार करनी, यानी कि हमें देखना है कि हमारे पास नए कस्टमर कितने जुड़ रहे हैं या फिर डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वो हम इस आउटपुट के बेस पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्वेरी सपोर्ट, क्वेरी सपोर्ट का मतलब है अगर फिर हमारा कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उन क्वेश्चन के जवाब भी हम रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है उसकी हेल्प से हम दे देते हैं। तो ये हमारा क्या था, TPS ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की जो प्रोसेस होती है, 6 स्टेप होते हैं, तो इनको भी सिक्वेंस में लगाना आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है, फिर डाटा एडिटिंग होती है, फिर वैलिडेशन होता है, उसके बाद मैनिपुलेट किया जाता है, फिर स्टोरेज कर लिया जाता है, फिर उसको जनरेट करते हैं रिपोर्ट वगैरह, फिर क्वेरी सपोर्ट आपका आता है। अब ये तो हमने कर लिया, अब इसको यूज कहां पे करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज के यूज के बारे में पता नहीं है तो फिर उसको जानने का भी कोई फायदा नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ TPS, TPS को कहां पे यूज किया जाता है, तो जो फर्स्ट है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि हमने कोई ऑर्डर वगैरह ले रखा है, ठीक है, मेल से, टेलीफोन से या स्टाफ सेल से, तो उसके बारे में हमें, इसके बारे में पता चल जाता है, हम उसके इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी कंट्रोल, ये सभी किसकी हेल्प से होती हैं, TPS की हेल्प से, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें क्या पता चलता है पूरे के पूरे रिकॉर्ड के बारे में। पेरोल एप्लीकेशन, पेरोल एप्लीकेशन मतलब कि आपका जो पेरोल का जो काम है सारा का सारा किसकी हेल्प से किया जाता है, आपका TPS की हेल्प से ही किया जाता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक यानी कि ATM को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगी, जो भी बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो इसी के साथ कंप्लीट करी जाती हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन किसके थे, TPS के, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेरोल एप्लीकेशन और ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब इसके बाद जानते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लेवल होते हैं, कहाँ पर किस लेवल में किस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर देख लेना वीडियो को, ताकि अच्छे से आपको जो पॉइंट रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। थैंक यू।